सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की और किस चीज के लिए वीडियो बनाई मैंने, स्टैक के लिए। हालांकि स्टैक आपको समझा चुका हूं, लेकिन ये स्पाइडर आईडी है। तो यहां पर स्टैक की बात करेंगे। तो स्टैक क्या होता है? स्टैक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। स्टैक क्या होता है? एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें मान लीजिए कि हम कोई एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, लिस्ट बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एक लिस्ट बनाते हैं किसी भी नाम से, तो कोई भी एक नाम रखते हैं और लिस्ट बनाते हैं। जैसे यहां पर स्टूडेंट की एक लिस्ट बनाते हैं, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स की एक लिस्ट होगी, तो डबल डॉटेड कॉमा या सिंगल डॉटेड कॉमा से सेपरेट करते हुए इनके नाम लिखे जाएंगे। जैसे यहां पर एक नाम लिख दिया रितेश, ठीक है, ये पहला नाम लिख दिया। फिर यहां पर दूसरा नाम लिखेंगे, तो यहां पर लिख दिया ये लिख दिया संजू, ठीक है। फिर तीसरा नाम लिखेंगे, कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर लिख दिया पिंटू, ठीक है। एक और नाम लिख देते हैं, यहां पे लिख दिया करण। तो ये कुछ नाम मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये या तो आप सिंगल डॉटेड कॉमा का यूज कीजिएगा या तो डबल डॉटेड कॉमा का यूज कीजिएगा, तो और उसी के अंदर लिखते हुए ये नाम आपको लिखने हैं। तो आपको लगता है कि ये प्रिंट करवा देंगे तो सिंपली ये लिस्ट प्रिंट हमारी हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स दे देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, तो ये तो लिस्ट को प्रिंट कर देगा। तो जैसे लिस्ट बनी हुई है वैसे यहाँ पे आपको आउटपुट भी नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन कहानी यहाँ पर स्टैक की ये है कि स्टैक में दो टाइप के फंक्शन होते हैं, पहला होता है पॉप और दूसरा होता है उसका यूज करना है। पॉप क्या होता है? पॉप रिमूव करने के लिए यूज होता है। एलिमेंट्स को रिमूव कराइए आप, तो वहां पर पॉप यूज होगा, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स को कैसे रिमूव करा सकते हैं? तो यहां पर हमने स्टूडेंट्स के नाम से ये लिस्ट बनाई है, तो यहां पे लिख देता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, यहां पर लगाना है पॉप, पीओपी। यही स्टैक का हिस्सा है, यही स्टैक। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, स्टैक समझ में आने लगेगा। तो यहां पर पॉप हम किसको रिमूव करवाना चाहते हैं? तो हम यहाँ जीरो नंबर के एलिमेंट को रिमूव करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जीरो लिखा है हमने, देख लीजिए एक बार ध्यान से, ये लिखा है हमने जीरो, ठीक है। अब जीरो नंबर का एलिमेंट रिमूव होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जब मैं चलाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहां पर जीरो नंबर पे क्या है, ये रितेश है जीरो नंबर पे है, ये संजू वन नंबर पे है, नंबर पे है, करण तीन नंबर पे है, ठीक है। तो ये जो है ना रितेश करके बाकी सारे नामों को प्रिंट कर रहा है। क्या होगा अगर हम यहाँ पे वन कर दे, तो संजू हट जाएगा, बाकी सारे नाम प्रिंट हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे वन किया, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे चलाया मैंने, तो यहाँ आप देखिए नीचे आउटपुट में ये देखिए रितेश पिंटू करण, संजू हट गया और बाकी सारे नाम आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो ये पॉप है। क्या होगा अगर इसमें हम चीजें एड करवाना चाहे, तो उसको पुश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुश। लेकिन क्या लिखा जाता है यहाँ पे, क्या लिखेंगे क्या? तो यहाँ पे अपेंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अपेंड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम से वो लिस्ट बनी हुई है, स्टूडेंट्स डॉट अपेंड लिखिएगा, अपेंड, ये हो गया। और यहाँ पे डबल डॉटेड कॉमा के अंदर या सिंगल डॉटेड कॉमा के अंदर वो नाम देना है आपको जिसको आप अपेंड करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक नाम मैं लिख देता हूं रामू, एक नाम मैंने लिख दिया रामू। अब ये अपेंड हो जाएगा इसके अंदर। कैसे अपेंड होगा आइए देखते हैं। अभी आपको तीन नाम ही दिख रहे हैं इसमें, पहला है रितेश, पिंटू, करण, ठीक है। इन सबको मैं कमेंट करता हूं, इसको मैं हटाता हूं, कमेंट कर देते हैं इसको, ये कमेंट कर दिए, जरूरत है हमें, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी अपेंड क्या करवाया? रामू। अब इसमें ऊपर वाले लिस्ट में आपको कहीं राम नाम नहीं दिखाई पड़ रहा है जबकि हम अपेंड करवा रहे हैं। तो यहां पर जैसे ये F5 करेंगे ना, तो यहां देखिए रामू नाम इसमें एडजस्ट होता हुआ मिलेगा। कहां पे एडजस्ट हो रहा है आकर के? लास्ट में एडजस्ट हो रहा है, ठीक है ना। कहां पे एडजस्ट हो रहा है? लास्ट में एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, अब देखिए मान लीजिए आपको एक और नाम एडजस्ट कराना है, तो आप सिंपल इसी को कॉपी करिए और नीचे पेस्ट कर दीजिएगा, ये कॉपी करिए और यहां से नीचे पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए ये हो गया। अब यहां पर देखिएगा ना, तो यहां पर दूसरा नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर लिख देते हैं रमेश, तो एक और नाम लिख दिया रमेश, ठीक है। अब देखिए अभी चलाएंगे ना, तो रमेश भी इंक्लूडेड रहेगा इसमें। तो देखिए ये रमेश भी आ रहा है, ठीक है। जब भी आपको पॉप कराना हो, देखिए पॉप रिमूव के लिए यूज होता है और पुश के लिए अपेंड को यूज करते हैं, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आई होगी, ठीक है ना। चलिए आगे के लिए बात करते हैं।